तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, टाइगर थ्री का बज अब लगातार स्टार्ट हो रहा है और एडवांस बुकिंग में अब ये पीक पकड़ रहे हैं। स्लो हुई थी एडवांस बुकिंग स्टार्ट, लेकिन अब जाके अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। देखो, बहुत सी जो बड़ी बड़ी मूवीज होती हैं, लाइक हम इंडियन मूवीज की ही बात कर लें, पठान, जवान, लियो, इन लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग 1 से 1.5 महीने पहले स्टार्ट कर दी थी। लेकिन टाइगर थ्री थोड़ा सा स्लो रहे, अराउंड 20 या 25 दिन से पहले ही, मतलब रिलीज डेट के, इन्होंने अपनी एडवांस बुकिंग स्टार्ट करी है और अभी ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन इस मूवी को हो रहे होंगे अपनी एडवांस बुकिंग ओपन करे हुए। लेकिन यहां पर जो अब देखने को मिल रहा है, बस पिछले 3-4 दिन से अच्छी खासी यहां पर एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। बुक माई शो इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, जबरदस्त रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। आपको बताऊंगा तो जवान का या फिर पठान के इसके रिकॉर्ड को बीट डाउन कर दिया है, जो 14-15 दिन पहले, मतलब रिलीज डेट से पहले ही इस मूवी ने 2.5 लाख का प्लस बुक माई शो इंटरेस्ट रेट अपने नाम किया है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, लियो ने बहुत ही फाड़ बुक माई शो का इंटरेस्ट रेट अपने खाते में लिया था। बट ऐसा नहीं है कि आपके पास बुक माई शो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो आपकी कमाई भी उतनी ज़्यादा होगी। लियो के टाइम पर हम ये देख रहे हैं, लास्ट हमने देखी थी जब जिस दिन मूवी रिलीज करी गई थी, 1.4 मिलियन के आसपास ये थी बुक माई शो इंटरेस्ट, जो अभी तक ना जवान के पास थी ना पठान के पास थी। लेकिन जवान 1150 करोड़ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर चुकी है, तो बुक माई शो इंटरेस्ट स्टेट अगर आपका हाई नहीं भी है तो इससे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, टाइगर थ्री जबरदस्त कलेक्शन करने वाली, क्योंकि ओवरसीज से इसकी पकड़ बहुत अच्छी देखने को मिल रही है। यूएसए का अगर मैं बताऊं तो 60,000+ US डॉलर की एडवांस बुकिंग कलेक्शन इसने अभी तक कर ली है, बाय गॉड। और इंडियन रुपीज में इसे कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 50 लाख से ज्यादा का कलेक्शन इसने कर लिया है आज 30 अक्टूबर तक। 400+ लोकेशंस पर यह मूवी एडवांस बुकिंग अपने नाम कर रही है और लगभग अभी तक 1200 से ज़्यादा शोज इसके खाते में आ चुके हैं। तो अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग 13 से 14 दिन बचे हैं और अभी ये सिर्फ रुझान है। यहाँ से और भी ज़्यादा हमें बुकिंग देखने को मिलने वाली है और हर दिन हर घंटे ये आंकड़े अपडेटेड होंगे, बदलते रहेंगे। जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद ये आंकड़े और भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, लेकिन अभी करंट में यही चल रहे हैं। UK+ Ireland का अगर मैं बताऊँ तो 40,000+ US डॉलर की बुकिंग इन्होंने ले ली है यूके से। अगर इंडियन रुपीज में से कन्वर्ट करें तो 33 लाख रुपए हो जाते हैं। UAE गल्फ कंट्रीज से बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है शाहरुख खान प्लस सलमान खान को, और सलमान खान का तो अभी करके एक इवेंट भी था यूएई में, जहां पर रोनाल्डो के साथ पिक वायरल हो रही है। रोनाल्डो एंड उसकी वाइफ बगल में बैठे थे, बट अपने भाईजान बिल्कुल नो टेंशन, मतलब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, फुटबॉल का नंबर 1 प्लेयर उनके बगल में बैठा है, बट ही एक्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। तो यूएई का अगर मैं बताऊं तो 30,000+ US डॉलर की वहां से एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो इंडियन रुपीज 25 लाख के आसपास होता है। सऊदी अरेबिया अगर जाएं तो 8,000+ US डॉलर की वहां से एडवांस बुकिंग हो चुकी है। इट मींस ये कि 6.5 लाख के आसपास इन्होंने इंडियन रुपीज में एडवांस बुकिंग वहां से ली है। ओमान का अगर बताऊं तो लगभग 3,000+ US डॉलर की वहां से एडवांस बुकिंग ले ली है, जो इंडियन रुपीज अराउंड 2.5 लाख के आसपास बनता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 30,000 US डॉलर। भाई साहब, और भी जगह रिलीज हो रही है, लेकिन ये जो मेजर कंट्रीज हैं जिनका मैंने नाम लिया, यहाँ से अच्छा खासा रेस्पॉन्स देखने को मिलता है। यहाँ अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, सिर्फ सलमान खान की नहीं, शाहरुख खान की भी, और इन जगह से इंडियन मूवी को रेस्पॉन्स भी बहुत अच्छा खासा मिलता है, हिंदी मूवीज को खासकर। तो अभी तक अगर मैं टोटल अभी तक बताऊँ कि ओवरसीज से कितनी बुकिंग कर चुकी है अपने 14 दिन पहले ही, तो इस मूवी ने 13 दिन पहले ही इस मूवी ने लगभग 1.5 करोड़ के आसपास एडवांस बुकिंग अभी से ही ले ली है। तो अभी 12 नवंबर को ये मूवी रिलीज होनी है, तो अभी पूरे के पूरे 12 दिन बचे हैं। तो अभी जो कलेक्शन देखने को मिलेगा, और सबसे ज़्यादा हाई जंप कब देखने को मिलेगा, जब 5 तारीख से इंडिया में एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से ना मिनटों में रिटाज बदलने लगेंगे उस जगह पर, जहाँ पर भी ओपनिंग होगी विद इन आवर वहाँ पर हाउसफुल हो जाएंगे। तो ऐसा रुझान भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सलमान खान के लिए, सलमान खान के जो डाई हार्ट फैन है, बहुत वेट किया है इनकी मूवी के लिए, उनके कमबैक के लिए। और टाइगर थ्री का जो बज चल रहा है भाई, सुपर सॉलिड बज चल रहा है, नेक्स्ट लेवल बच चल रहा है। देखा जाएगा पठान और जवान के ओवरसीज के रिकॉर्ड को ये मूवी तोड़ पाएगी नहीं तोड़ पाएगी। पठान का अभी तक जॉइंट रिकॉर्ड है इसके नाम पे, 400 करोड़ का ओवरसीज से कलेक्शन है। देखा जाएगा टाइगर थ्री तोड़ती है या नहीं तोड़ती है, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी आप लोग टाइगर थ्री के लिए कितना वेट कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।